वालेकुम नाजरीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेजबान मलिक मुजफ्फर, आपकी खदमत में हाजिर। आप नाजरीनों को ये बात आप इस बात से बखूबी वाकिया रखते हैं कि हाल हाल ही उलमाओं ने शादी के अंदर नाच गाना बैंड बाजे पे पाबंदी आई की है, और खासकर उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जिस शादी के अंदर ये होगा वहाँ पे कोई भी उलमाई किराम निकाह मजलिस के लिए नहीं बैठेगा। इसी जिमन में हमारे साथ मायनाज उलमाई किराम मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो यूटी जम्मू व कश्मीर के लिए उनका क्या कुछ पैगाम होगा इस हवाले से सर से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका पहले इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम अला नबी मुस्तफा नबीना मुहम्मद व अलैहि वसहबी अजमईन, अम्मा बाद। ये जो आपने एक अहम सवाल की तरफ कौम का तवज्जो मबजूल किया जी, तो इसमें उलमाए किराम का इकट्ठे होना ये एक खुशाइंदा कदम है जी, और इसमें हम सबको कुरान की यही रूलिंग है तआवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, हमें नीकी और तकवा के जो भी काम है उनमें हमें एक दूसरे का मुमिद मददगार बनना चाहिए जी। तो अगर उलमा देर से ही सही इस बात पे इत्तेफाकिया तौर पर मुत्तहिद हुए तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इसमें हमारे लिए फायदा है, क्योंकि बहुत पहले इस पे इकट्ठा होना हालात का तकाजा था, क्योंकि कुरान ने हमें पहले ही इस बारे में कहा है कि जो कामयाब तरीन लोग हैं वो मोमिन है, कद अफलहल मोमिनून, तहकीक यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जी। और उनके जो अवसाफ बयान किए गए हैं उसमें पहला वसफ यही है अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशून, जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, और उसके बाद जो उनका दूसरा वसफ है वल्लदीना हुम अनिल लघ्व मुरिजून, जो लघवियात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो लघवियात से अपने आप को बचाते हैं जी। चाहे वो कोई भी मजलिस हो जहाँ पर लघवियात हो, जहाँ पे हर वो काम या हर वो बात हो जिसका कोई फायदा ना हो, ना दीनी तौर पर ना दुनियावी तौर पर, बल्कि नुकसान ही हो जी, बल्कि उसमें कौमी नुकसान हो, इंफिरादी नुकसान हो, इज्तिमाई नुकसान हो, उससे बचना हमारे लिए कंपलसरी है, लाजमी है जी। पर्टिकुलरली जो जानने वाले हैं, जिनको हम उलमा कहते हैं, जिनको हम स्कॉलर कहते हैं, उनका उन मजालिस से दूर रहना बहुत ज्यादा हक बनता है, क्योंकि उनकी तरफ कौम की नजरें होती हैं, उनको उन चीजों से अपने आप को बईद रखना सबसे ज्यादा हक बनता है और सबसे ज्यादा उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। ज्यादा इस बात में दो राय नहीं है कि इन चीजों से अपने आप को बचाना, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना हमारे लिए न सिर्फ दीनी फरीदा है बल्कि समाजी तौर पर भी हमें इसका तकाजा है, ताकि आने वाले नस्ल को हम ये मैसेज कन्वे कर सके कि इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, जिनसे कौम में इसराफ, तबजीर और फजूल खर्ची का माहौल हमें मिले। इन चीजों से हमें हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम और इंसानियत इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमें हर सूरत में इन चीजों से अपने आप को बचाना जरूरी और लाजमी बनता है, खासकर उलमाए किराम और जो भी मारूफ और जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनको उन चीजों से, इन मजालिस से अपने आप को दूर रखना बहुत ज्यादा लाजमी और जरूरी है। जो ये कदम उठाया गया है इस पर कश्मीरियों को भी बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहिए उलमाए किराम को, अगर वो इस वक्त भी इस मामले में अपने आप को मुत्तहिद पेश करते हैं। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब, आपने मुदल्लल जानकारी इस पे रखी है, आपने अहम पैगाम उम्मत मुस्लिमा खासकर जम्मू व कश्मीर की अगर हम बात करें, बैंड बाजा जहां भी नाच गाना जहां भी होगा वहां पे जिस तरीके से उलमाए किरामों ने इस पे स्टेटमेंट रखी है, आपने उसका खैर मकदम किया है, आपने उसका वेलकम किया है, आपने ये अच्छी बात कही कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है जब एकजुट सारे उलमाए किराम हो जाएंगे दीनी मामलात में, खासकर जहां पे हम सब लोग इस वक्त हैंडीकेप्ड है, कमजोर है, नौजवान है दीनी एतबार से, और उस तरीके से आपने यहां पे जो ये बात कही है नाच गाना बैंड बाजा जहां भी होगा वहां नहीं निकाह मजलिस होगी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस घर में ये होगा क्या उनकी अच्छी स्टेटमेंट है, अगर उसमें किसी की मौत होगी तो आखिरी रसूमात के लिए कोई भी उलमाए किराम अगर सामने नहीं आएगी तो एक इबरत रहेगी अवाम नास के लिए, इस पर जाना चाहेंगे।
ये जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, इसमें हमें बड़े एहतियात से काम लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो इस्लामी पैगाम है, ये जो आखिरी रसूमात है, चाहे कोई वो शख्स भी इसमें हमें नजर आए जिसने अपने आप को खुदकशी के तौर पर भी पेश किया हो, उनको भी हमें कफन दफन करने की इजाजत है, उनको हमें अलहदा रखने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता ये जो घर वाले हैं जो नाच गानों में अपने कीमती सरमाया को जाया करते हैं, उससे हमारी गुजारिश है कि आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द में आपके कितने वो लोग हैं जो डिपेंडेंट अपॉन अदर्स हैं, जिनको आपके ताउन की सख्त जरूरत है, जो फाकाकशी के शिकार है, जो मुख्तलिफ मामलात और तकालीफ के शिकार है, अगर वो दौलत उन तक पहुंचाई जाए, अगर वो मदद उन तक पहुंचाई जाए, कितना बेहतर रहता। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उस घर में अगर कोई मर जाए तो उस पर हमें बायकॉट करना चाहिए, इस पर नजरसानी करना लाजमी बनता है, क्योंकि ये ठीक कदम नहीं है, क्योंकि इससे माशरे में वो बिगाड़ पैदा होगा जिसको बाद में रोकना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को एक दूसरे के तई खैर खा पेश करना हमें दीन सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, इसलिए इन चीजों पर इस तरीके से स्टेटमेंट देना, इस तरीके से अपने आप को जज्बाती पेश करना, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं रहेगा, बल्कि उनको समझाना और उनको पढ़ाना और उनको सिखाना हमें हक बनता है, ताकि हमें घर घर अगर जाया करना पड़े, अगर हमें जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ही यही है कि हम एक दूसरे को अच्छाई की तरफ गामजन करें और बुराई से उनको बईद रखे, बुराई से उनको दूर रखे। इसके लिए हमें इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी हमें एक दूसरे का मुमेद मददगार बनना चाहिए। हो सकता है कि अगर हमारी एक बात से कोई एक इंसान बुराई से बच जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लिहाजा इन जज्बात का इजहार करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, बायकॉट करना हमारे लिए सही नहीं है, बल्कि हमें उनको समझाना है, उनको अच्छे ट्रैक पर लाना है, उसके लिए हमें कलेक्टिवली एक लाहे अमल तश्कील देना है, चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से कोई भी आलिम हो, उनको इस मामले में यकजुट होके ऐसा लाहे अमल तश्कील देना लाजमी बनता है जो कौम के लिए सूदमंद हो, फायदेमंद हो, खासकर इस सिनेरियो में जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने मालो दौलत को, अपने सरमाया को उन चीजों में लगाया है जो किसी भी सूरत में परमिटेड नहीं है।